धमकी मिली है। बीकेसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने फोन करने वाले की पहचान भी कर ली है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर, और क्या डिटेल्स इस खबर को लेकर? पूजा, देखिए मुंबई पुलिस से जो आधिकारिक तौर पे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल शाम को करीब 4 बजे के आसपास जो धीरूभाई अंबानी स्कूल है बांद्रा इलाके में, वहां पर ये फोन आया था और इस फोन के आने के बाद जो स्कूल प्रशासन है उसने तुरंत पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसकी जांच भी शुरू कर दी थी और जांच के दौरान पुलिस को कई सारे सुराग मिले हैं जिसके चलते आरोपी की पहचान भी कर ली गई है। एक टीम जो मुंबई पुलिस की है उस आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने एहतियातन जो है, क्योंकि जब उन्हें जानकारी मिली उसके बाद बाकायदा बीडीडीएस की टीम, जो बम स्क्वाड की टीम होती है, उसको स्कूल में बुलाया गया। वहां पर पूरे स्कूल की जांच भी की गई है। हालांकि आरोपी कौन है अब तक पुलिस इस पर। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मामले में खुलकर बात नहीं कर रही, लेकिन एक टीम जो जानकारी मिल रही पुलिस से कि आरोपी को पकड़ने के लिए भेजी जा चुकी है। शुक्रिया दिवाकर आपका। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम रवाना हो चुकी है। एडमिरल कुज़नेत्सोव जर्जर हालत में, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत इतनी खराब है कि उसे रस्सियों से खींचने की नौबत पड़ गई। ब्रिटेन के मीडिया ने यह दावा यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के आधार पर किया, जिसमें दावा किया गया है कि रूस का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज़नेत्सोव दम तोड़ने वाला है। रूस के पास हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट क्रूजर तो कई हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर केवल एक, उसका नाम है एडमिरल कुज़नेत्सोव। लेकिन दावा यह है कि उसकी हालत इस वक्त बेहद जर्जर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगा लोहा जंग खा चुका है, उसके ज्यादातर पुर्जे गल चुके हैं। हालत तो यह है कि मरम्मत के लिए उसे रस्सियों से खींचकर ले जाने की जरूरत पड़ी। अगर यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट को सही माने तो रस्सी से खींचने के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर के कुछ और पुर्जे टूट गए। रूस की वायुसेना के लिए ये एक बड़ा झटका है, वो भी तब जब रूस की फौज एक जंग लड़ रही है, वो भी ऐसी जंग जिसमें उसकी नौसेना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। दावा यह है कि काला सागर और बाल्टिक सागर में रूस की नौसेना को इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत है, लेकिन उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। रूस की एजेंसियां एक सुपर कैरियर बनाने की कोशिश में दशकों से लगी हैं, लेकिन अब तक उन्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिली। दूसरी तरफ अगर कुज़नेत्सोव पर यूक्रेन का दावा सही है तो रूस की परेशानी कहीं ज्यादा बड़ी है। खबर है कि पिछले 5 साल से कुज़नेत्सोव की तैनाती किसी बड़े मोर्चे पर नहीं हुई, या यूं भी कहा जा सकता है कि रूस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया से छिपाने की कोशिश में लगा है। कई बार इसमें मरम्मत से जुड़ी कुछ खबरें भी आईं, लेकिन इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है ये कभी साफ नहीं हुआ था। ब्रिटेन के मीडिया का दावा तो ये है कि रूस के कुज़नेत्सोव का दोबारा समुद्र में उतरना लगभग नामुमकिन है। नेटो और रूस की सेनाओं के बीच जंग के हालात बन गए। फ्रांस के राफाल फाइटर जेट का दस्ता रूस के विमानों को खदेड़ने में लग गया। पहले ही कहा जा रहा था कि बाल्टिक देश रूस का अगला टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अब खबर है कि पिछले 1 महीने में 7 बार रूस ने बाल्टिक देशों की हवाई सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। ज्यादा सतर्क हो गई। खबर है कि 1 महीने से रूस की वायुसेना का मुकाबला करने के लिए नेटो देशों की फौजें अलर्ट पर हैं। खासतौर पर पोलैंड की सीमा पर रफाल फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। बाल्टिक में घुसपैठ से निपटने का काम फ्रांस और पोलैंड की वायुसेनाओं को ही सौंपा गया था। खबर है कि रूस की फौज कलिनिनग्राद की जमीन का इस्तेमाल बेहद चतुराई से कर रही है। अब तक कई बार रूस के फाइटर जेट कलिनिनग्राद से उड़ान भरते हुए बाल्टिक देशों की सीमा में पहुंचे। हालांकि वक्त रहते नेटो के रफाल उन्हें खदेड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन दावा यह है कि रूस की फौज की शरारतें रुकने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं।